बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास काफी संपत्ति थी क्योंकि उसने बहुत सालों तक खूब मेहनत किया था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, पर वो बहुत दुखी था। क्योंकि उसके बेटे बहुत आलसी थे, न तो वो उसकी कोई मदद ही करते थे और सारा दिन वो सोते ही रहते थे। और अपना समय फालतू के खेलों में बर्बाद किया करते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसके बेटों ने डॉक्टर को बुलाया। मुझे अफसोस है कि आप बहुत बीमार हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा दिन तक जिंदा ही ना रहें। अगर आपके मन में कोई भी आखिरी इच्छा बाकी हो तो जितनी जल्दी हो आप उसे पूरा कर लें। वैसे तो आलसी बेटे कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अपने पिताजी को बहुत प्यार करते थे। और डॉक्टर के जाने के बाद वे सभी रोने लगे। ओ पिताजी, हम आपके बिना क्या करेंगे? हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारा ध्यान कौन रखेगा? अपने बेटों को दुखी देखकर किसान का दिल पिघल गया। चिंता मत करो बच्चों, मैं स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जिससे कि तुम कभी भूखे न रहो, मैंने खेत में सारा धन गाड़ दिया है। जब वो तुम्हें मिले तो तुम लोग बाजार जाकर उसे बेच देना। वो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काम आएगी। कुछ ही समय के बाद किसान की मौत हो गई। कुछ दिनों तक दुखी बेटे दुख के मारे कोई काम नहीं कर पाए, पर फिर उन्हें लगा कि भोजन के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें पिताजी का धन ढूंढना ही होगा। तिजोरी का पैसा अधिक दिन नहीं चलने वाला। तुम ठीक कहते हो, हमें ढूंढना चाहिए। पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। उनके पिताजी के दोस्त ने कहा
आखिर तुमने खेत जोत ही दिया है तो क्यों ना बीज भी डाल दो। बेटे तैयार हो गए। खेत बुआई करके उन्होंने इंतजार किया। उस साल मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन बेटे जब सोकर उठे, उन्होंने हवा में लहलहाती हुई अपनी फसल देखी। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने बोला, यही वो खजाना है जिसे पिताजी चाहते थे हम ढूंढें। अगर हम काम करेंगे तो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। और उस दिन के बाद से उन बेटों ने जीतोड़ मेहनत शुरू कर दी। शिक्षा, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है।